गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने हमने पेट्रोमाइजन के लार्वा एमोसीट को शुरू किया था और हमने कई इस लार्वा के कायांतरण प्रक्रिया तक हम पहुंचे थे। तो आज हम शुरू करें वापस एमोसीट लार्वा के कल बारे में हमने सामान्य जानकारी पढ़ ली थी। आज जो हमें शुरू करना है वह शुरू करना है इसकी कायांतरण प्रक्रिया। देखिए, कायांतरण प्रक्रिया का मतलब क्या है कि अब इसमें ऐसे परिवर्तन होंगे जिससे यह लार्वा वयस्क में परिवर्तित होने प्रारंभ हो जाएगा। अब देखिए, कायांतरण प्रक्रिया प्रत्येक जंतु में क्या होती है, अलग अलग होती है। अब देखिए, अगर मैं एमोसिएट लार्वा की बात करूं तो इसकी कायांतरण प्रक्रिया वह 3 से 7 साल में पूर्ण होती है। अब 3 से 7 साल में पूर्ण होती है इसकी कायांतरण प्रक्रिया, तो ये इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता होती है। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमने देखा था, कल हमने पढ़ा था कि इसमें मुख छद होता है। अर्थात मुख छद का मतलब क्या है कि बिल्कुल बीच में मुख है, साथ में मुख की पे भी वो कार्य नहीं कर रहा। अब जो मुख छद था, ओरल हुड था, वह क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। तो मुख छद है वह, जिसे हम ओरल हुड कह रहे हैं, वह क्या हो रहा है, लुप्त हो जाता है। ये इसका सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है। और इसके पश्चात इसमें जो चुस्क कीप होता है, मुख चुस्की कीप होता है, उसका निर्माण हो जाता है। तो चुस्की कीप के निर्माण के साथ क्या होता है कि यह किसी भी जगह आसानी से चिपक सकता है किसी भी जीव से। तो दूसरा क्या होता है, इसमें मुख चुस्की कीप का निर्माण पूर्ण हो जाता है। अब देखिए, मुख चुस्की कीप का निर्माण हो गया तो इसका मतलब कहने का क्या है, इसके साथ में जब मुख चुस्की कीप की सहायता से यह किसी भी जीव से चिपक सकता है, तो इसके बाद इसमें दांत का निर्माण है वह भी पूर्ण हो जाता है। अब हम जानते हैं कि दांत की सहायता से यह किसी जीव के शरीर में छेद बनाकर उससे रक्त क्या कर रहा है, भक्षण करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसमें दांत का निर्माण हो जाता है। देखिए, ये इस लार्वा की विशेषताएं हैं कि कायांतरण प्रक्रिया में, इसीलिए अपन ने इसको दो स्टेज पढ़ा था, पहली संरचना पढ़ी थी, सेकंड हम पढ़ रहे हैं कायांतरण प्रक्रिया। तीसरा पॉइंट होता है कि इसका जो मुख होता है अब वो बिल्कुल गोल हो जाता है और उसमें साथ में नेक्स्ट इसमें जो मुख होता है वो आकार में क्या हो जाता है, गोल हो जाता है। तो नेक्स्ट विशेषता क्या है, मुख गोल हो जाता है। एम जीवा, जिसे हम जीभ कह रहे हैं, वह भी क्या हो जाती है, पूर्ण विकसित हो जाती है। तो जीवा भी क्या होता है, पूर्ण विकसित हो जाती है। तो ये भी इसकी एक क्या है, विशेषता होती है। इसके साथ में इसमें जटिल मांसपेशियां, देखिए उसमें क्या थी, पहले जटिल मांसपेशियां विकसित नहीं थी। क्यों, क्योंकि वो लार्वा तो क्या कर रहा था, किसी जगह अंग्रेजी के वर्ण यू के आकार में रहकर जल से ही सब चीज कर रहा था, तो उसमें उसे किसी प्रकार की जटिल मांसपेशियों की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अब इसमें कायांतरण की प्रक्रिया है, कायांतरण की प्रक्रिया में क्यों जटिल मांसपेशियां बन रही है इसके बारे में समझिए, क्योंकि इस लार्वा को अब उस स्वच्छ जल से निकल के वापस लवणीय जल में जाना है, और लवणीय जल के जाने के दौरान इसे बहुत ज्यादा परिश्रम या कार्य करना पड़ता है, इसीलिए इसमें मांसपेशियां भी अब कैसी होती है, जटिल। तो इसमें जटिल मांसपेशियों का निर्माण पूर्ण हो जाता है। तो ये भी इसकी एक क्या है, सबसे बड़ी विशेषता है कि जटिल मांसपेशियों का निर्माण है वह पूर्ण हो जाता है। और
नेक्स्ट थी कि इसमें जो एंडोस्टाइल थी, अब एंडोस्टाइल का क्या कार्य था, हम जानते हैं कि जो भोजन के कण आ रहे थे उसको फंसाने का कार्य करते थे। अब यहाँ हम जानते हैं कि अब यहाँ भोजन को फंसाने की कण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी कायंत्रण प्रक्रिया है। कायंत्रण प्रक्रिया में क्या होगा कि यह दूसरे जीव का रुधिर का भक्षण करेगा, तो इस प्रक्रिया में ग्रंथि में जो स्थित होती है वो एंडोस्टाइल होती है, वह थायराइड ग्रंथि में परिवर्तित हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब एंडोस्टाइल का कोई कार्य नहीं है, क्योंकि अब ब्लड चूस रही है, तो ब्लड है वो ये भोजन के रूप में रह रही है, इसीलिए अब एंडोस्टाइल का कार्य नहीं है, तो इसीलिए अब ये एंडोस्टाइल आगे चल के थायराइड ग्रंथि में विकसित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ग्रसनी में स्थित एंडोस्टाइल आगे थायराइड ग्रंथि में परिवर्तित हो जाती है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि आगे चल के ये एंडोस्टाइल थायराइड ग्रंथि में परिवर्तित हो जाती है। पॉइंट आप नोट करते रहिएगा क्योंकि ये इसमें कायंत्रण प्रक्रिया क्या है। नेक्स्ट है इनमें जो गुठिका होती है, विलम है, वह क्या हो जाती है, वह आसित हो जाती है और केवल श्वसन ग्रसनी के छिद्र की रक्षा करती है। तो गुठिका जो विलम है, गुठिका है, वह लुप्त हो जाती है। और इसका कार्य कब तक था, इसका कार्य तब तक था जब तक ये जल जो आ रहा है भोजन और श्वसन प्रक्रिया हो रही थी लार्वा में, तब तक ये गुठिका या विलियम का कार्य था, अब इसका कोई कार्य नहीं है। नेक्स्ट है जो क्लोम होते हैं, वह क्लोम कोष में पूर्ण विकसित हो जाते हैं। देखिए क्यों, क्योंकि जब लार्वा होते हैं तो क्लोम का निर्माण धीरे धीरे हो रहा होता है, अब यहाँ जो क्लोम गिल्स है वह पूर्ण विकसित हो गए हैं। तो नेक्स्ट है क्लोम पूर्ण विकसित हो जाते हैं तथा क्लोम कोष्ठ के अंदर रहते हैं। तो नेक्स्ट क्लोम कोष्ठ के अंदर पूर्ण विकसित हो जाते हैं। तो ये भी इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता है कि अब इनमें जो क्लोम है वह पूर्ण विकसित हो जाते हैं। इसके साथ में जो पित्ताशय था, पित्तवाहिनी थी, वह लुप्त हो जाती है, क्योंकि इसमें पित्ताशय और पित्तवाहिनी का अब कोई कार्य नहीं है। तो पित्ताशय एवं पित्तवाहिनी लुप्त हो जाती है, पित्ताशय और पित्तवाहिनी लुप्त हो जाती है। तो ये भी इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता है। और इसके बाद में नेत्रों के ऊपर जो त्वचा का आवरण है वह हट जाता है। अब हटने का बेसिक मतलब क्या है कि इसके जो नेत्र होते हैं वो प्रारंभ में उसके ऊपर क्या होते हैं, एक त्वचा का आवरण होता है। ये आवरण क्या होता है कि नेत्र को अभी स्टार्टिंग में दिखने का कोई काम नहीं होता, क्योंकि लार्वा तली में ही है, तो तली में देखने का कोई काम नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे ये कायंत्रण प्रक्रिया आती है तो नेत्रों के ऊपर जो त्वचा का आवरण हट जाता है और नेत्र कार्यशील हो जाता है। कार्यशील का मतलब क्या है, अब ये इस कंडीशन में लार्वा उस बाहर निकल के तली से समुद्र की ओर गमन करेगा, उस दौरान ये जो खतरे आ रहे हैं उनको देखने के लिए नेत्र कार्यशील होते हैं। तो नेक्स्ट विशेषता क्या है कि नेत्रों के ऊपर त्वचा का आवरण हट जाता है एवं नेत्र कार्यशील हो जाते हैं। तो ये एक इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि नेत्रों के ऊपर से त्वचा का आवरण हट जाता है और नेत्र क्रियाशील हो जाते हैं। नेक्स्ट नासाकोश होते हैं, वह अंदर की ओर क्या हो जाते हैं, वलित हो जाते हैं। तो नेक्स्ट है नासा छिद्र अंदर की ओर वलित हो जाते हैं। तो ये इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता है कि जो नासा छिद्र होते हैं वह अंदर की ओर वलित हो जाते हैं। नेक्स्ट पृष्ठ पंख और पूंछ पंख होते हैं। हम जानते हैं कि हमने वयस्क को पढ़ा था तो हमने कहा था पृष्ठ पंख दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट डोर्सल फिन और सेकंड डोर्सल फिन। यहाँ अभी तक लार्वा था तो पृष्ठ पंख क्या था, पूरा एक था,
पृष्ठ पंख और पूंछ पंख क्या थे, मिले हुए थे, लेकिन अब यहाँ क्या होंगे कि पृष्ठ पंख जो हम लास्ट में बात कर रहे थे लार्वा के, आपने डायग्राम देखा होगा, तो हमने लास्ट में क्या बताया था कि इसके अंदर दो प्रकार के, एक तो फर्स्ट डोर्सल, एक सेकंड डोर्सल, और फिर था हमारा पूंछ पंख, फिर था पूंछ पंख। अब जब लार्वा की बात कर रहे थे तो ये तीनों क्या थे, मिले हुए थे, तो हम ये नहीं कह सकते थे कि इसमें पृष्ठ पंख कौन सा है, पूंछ पंख कौन सा है, लेकिन अब यहां पर पृष्ठ पंख और पूंछ पंख क्या होते हैं, दोनों अलग हो जाते हैं, और पृष्ठ पंख आगे चल के दो भागों में विभाजित हो जाता है, छोटा भाग कहलाता है प्रथम पृष्ठ पंख और बड़ा भाग कहलाता है द्वितीय पृष्ठ पंख। तो नेक्स्ट अपनी लाइन लिख लेते हैं, आपकी वो प्रश्न है तो आप पूछते रहिएगा। पृष्ठ पंख एवं पूंछ पंख एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तथा पृष्ठ पंख आगे दो भागों में विभाजित होता है जिनमें छोटा भाग प्रथम पृष्ठ पंख एवं बड़ा भाग द्वितीय पृष्ठ पंख कहलाता है, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं पूंछ पंख को हम कह रहे हैं कि कॉडल फिन, और पृष्ठ पंख को कहते हैं डोर्सल फिन। तो फर्स्ट डोर्सल फिन और सेकंड डोर्सल फिन। अब नेक्स्ट, इनके जो त्वचा का रंग है वह सामान्यतः पीले भूरे धब्बेदार से हरा भूरा हो जाता है। तो नेक्स्ट इसमें क्या होती है, त्वचा का रंग पीले भूरे से हरे भूरे धब्बेदार हो जाता है। तो ये भी इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता है कि धब्बेदार हो जाता है। नेक्स्ट, रीढ़ रज्जु की स्थिति और आकार है वह क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नोटोकॉड है उसकी स्थिति और आकार, क्योंकि लार्वा था अभी यू आकार की थी, अब ये सीधा हो जाएगा, तो रीढ़ रज्जु की स्थिति है और आकार है वह भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो रीढ़ रज्जु की स्थिति एवं आकार बदल जाता है। ये इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता है कि इस कायंत्रण प्रक्रिया के बाद पेट्रोमाइजन जो है, अब जो लार्वा था एमोसिएट लार्वा, अब मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ कि इस कायंत्रण प्रक्रिया के पश्चात जो लार्वा था एमोसिएट लार्वा, वो समुद्र की तली से स्वच्छ जल की तली से बाहर निकलता है और हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हुए समुद्र में पहुंचता है, और समुद्र में पहुंचने के पश्चात अपना एक वर्ष का जीवन काल व्यतीत करता है, और उसके पश्चात वापस जोड़ा बना के वह प्रजनन के लिए आता है। अगर अपन कॉमन बात करें तो इनका जो एक नॉर्मल बात कही जाती है वैज्ञानिकों द्वारा कि इनका जीवन चक्र पूरे जो जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय पीरियड कहते हैं वो कम से कम 4 साल का कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसके बारे में समझिए, क्योंकि इनकी लार्वा अवस्था 3 से 7 साल की होती है, तो कम से कम 3 साल की तो इनकी लार्वा स्टेज होती है, उसके पश्चात इनका 1 साल होता है वयस्क का, तो कम से कम 4 साल होते हैं, अधिकतम 8 साल कहे जा सकते हैं। और अब इसमें एक बड़ी बात ध्यान रखना कि मैंने आपको पहले बताया था कि पेट्रोमाइजन जो होती है मादा, वो एक बार में 2.5 लाख लगभग अंडे देती है, लेकिन आप ये ध्यान रखना जब उन अंडों से बच्चे निकलकर वो समुद्र में पहुंचते हैं तो इनकी संख्या बड़ी मुश्किल से 10 से 12 ही होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि कितने अंडे से बच्चे बाहर निकले, लार्वा निकले, एमोसिएट, वो सभी नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसी के साथ हमारे ये एक टॉपिक था, एमोसिएट लार्वा पूर्ण होता है। अब हमारा एक छोटा प्रश्न आता है मिक्सिन, जिसको हम हैगफिश कहते हैं, अब अपन उसको पढ़ लेते हैं। फिर एक इसमें प्रश्न दो तरीके का बनते हैं, मैं आपको बता देता हूं। पहला आता है कि मिक्सिन या हैगफिश को समझाइए, दूसरा हमारा प्रश्न आता है कि पहले तो हमने एमोसिएट लार्वा को पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं मिक्सिन या हैगफिश को, अलग अलग पढ़ लिया। तीसरा हमारा जो प्रश्न आता है वो आता है इन दोनों में कंपेरिजन, मिक्सिन और
एमोसिएट लार्वा में क्या कंपेरिजन है इसको हम पढ़ेंगे, तो वो हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। अभी हम शुरू कर रहे हैं मिक्सिंग, जिसका कॉमन नाम है हैगफिश। इंग्लिश में कहें तो हैगफिश। देखिए ये कई बार पर्सन भी आ रखा है एक नंबर में कि हैगफिश का जूलॉजिकल नेम बताइए, तो मिक्सिन और हैगफिश का जूलॉजिकल नेम क्या होता है? मिक्सिन होता है। अब इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि मैं आपको विशेष दोनों में तुलना करते हुए समझा रहा हूं अभी, तो कि हमने एमोसिएट लार्वा को पढ़ा, तो हमने एमोसिएट लार्वा का जब स्टार्टिंग करते हैं तो हमने कहा था कि ये प्रारंभ में स्वच्छ जल में रहती है लेकिन बाद में यह लवणीय जल में जाती है, लेकिन मिक्सिन है वो पूर्ण रूप से लवणीय जल में ही पाई जाती है। तो सबसे पहली इसकी क्या विशेषता है? यह पूर्ण रूप से लवणीय जंतु है। तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह पूर्ण रूप से लवणीय जंतु है, और यह सामान्यतः महासागरों में या तल में उनमें ज्यादा पाई जाती है, और जहां भी सामान्यतः जल बहुत ज्यादा होता है वहां ये सामान्यतः अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ये इसकी विशेषता है। और सामान्यतः अगर इसकी मैं आकार की बात करूं तो इसका जो आकार होता है वह 1 मीटर लंबा होता है। इसकी संरचना में शुरू कर देता हूं, इसका आकार 1 मीटर लंबा होता है। इसकी अगर सामान्य जानकारी की बात कर रहा हूं कि इसका आकार 1 मीटर लंबा होता है, ये इसकी मिक्सिन की एक सबसे बड़ी विशेषता है। नेक्स्ट होता है कि यह हैग मछलियां निवह प्रकार की होती है, कॉलोनिकल प्रकार की होती है, और मिट्टी या कीचड़ का बिल होती है, और उसमें मुख को बाहर निकाल के ये उसमें निवह क्या होती है सामान्यतः रहती है। अब नेक्स्ट, इसका जो शरीर होता है वह लसलसा और ईल के आकार का होता है। इसके शरीर का जो बाहरी पोर्शन है लसलसा व ईल के आकार का होता है। तो ईल के आकार का क्या होता है? इसका शरीर होता है। तो ये इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता है। नेक्स्ट, इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसकी त्वचा शल्क रहित और सामान्यतः गुलाबी रंग की होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी त्वचा शल्क रहित एवं गुलाबी रंग की होती है। तो इसकी नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इसकी त्वचा शल्क रहित और गुलाबी रंग की होती है। और इनमें नेक्स्ट अगर विशेषता कहें, जो हैग मछलियां होती है केवल एक अंतस्थ नासा छिद्र, इनमें देखिए अपन ने इससे पहले कहे तो एक जोड़ी कहते थे, लेकिन यहां ध्यान रखना केवल एक अंतस्थ नासा छिद्र उपस्थित होता है जो आगे चल के ग्रस्नी से जुड़ा रहता है। तो इनमें मध्य में एक अंतस्थ नासा छिद्र उपस्थित होता है जो पीछे की ओर ग्रसनी से जुड़ा रहता है। तो ये इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें नासा छिद्र क्या होता है और पीछे की ओर ग्रसनी से जुड़ा रहता है। नेक्स्ट है, इनमें नेत्र होते हैं वो अपविकसित होते हैं और क्या होते हैं एक त्वचा के मोटे आवरण द्वारा ढके रहते हैं। नेक्स्ट, नेत्र अपविकसित होते हैं एवं त्वचा के मोटे आवरण द्वारा ढके रहते हैं। नेक्स्ट तो सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें सामान्य तो जो क्लोम है उनकी संख्या, जो श्वसन है वो क्लोम द्वारा होता है, और इनकी जो संख्या होती है वह प्रत्येक जाति में अलग अलग होती है। तो इसीलिए इनमें श्वसन
क्लोम द्वारा होता है, क्लोम द्वारा होता है एवं प्रत्येक जाति में, एवं प्रत्येक जाति में इनकी संख्या, इनकी संख्या अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। और अगर मैं सामान्य बात करूं तो सामान्यतः क्लोम की संख्या 1 से 15 तक होती है। सामान्यतः जो इसमें क्लोम की संख्या होती है वह 1 से 15 तक की होती है। अब सामान्यतः क्या है कि सामान्यतः ये जो हैगफिश होती है यह दूसरी मछलियों को भक्षण करते समय अपने क्लोम और तथा गुदा आदि को अपने दांतों से बनाई हुई चिमटी से क्या करती है, पकड़ लेती है। तो सामान्यतः क्या करती है, दूसरी मछलियों को भक्षण करते समय उनके जो क्लोम होते हैं, उनके जो पूंछ पोर्शन होते हैं, उनको ये क्या करती है, अपने दांतों से पकड़ लेती है। और हम जानते हैं जब क्लोम क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो उस कंडीशन में कोई भी जीव होता है वह श्वसन नहीं ले पाएगा और उस कंडीशन में उसकी क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। तो नेक्स्ट, यह शिकार करते समय दूसरे जीव की क्लोम या पूंछ या गुदा को अपने दांतों से पकड़ लेते हैं एवं इनका क्या करते हैं भक्षण करते हैं। ये इनकी एक सबसे बड़ी विशेषता होती है। ये तो थे इनके बाह्य लक्षण। अब है इनके आंतरिक लक्षण। जो 4-5 आंतरिक लक्षण है ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन इनमें तुलना करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब आंतरिक लक्षण में सबसे पहला क्या है, इनके सिर के दोनों ओर एक अर्धवृत्ताकार नाल उपस्थित होती है। तो इनके सिर के दोनों ओर अर्धवृत्ताकार नाल उपस्थित होती है। अर्धवृत्ताकार नाल उपस्थित होती है इनके सिर के दोनों ओर। नेक्स्ट, इनमें वृक होते हैं, वह अत्यंत प्रीमिटिव टाइप के, अत्यंत आदिम प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, इनमें जो वृक होते हैं वह अत्यंत क्या है, आदिम प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, इनमें क्लोम के निकट हृदय स्थित होता है। इनमें क्लोम के निकट हृदय स्थित होता है। नेक्स्ट, जो सबसे बड़ी विशेषता है, सामान्यतः हम जितनी मछलियों को पढ़ते हैं वह एक लिंगी होती है, लेकिन हैग फिश होती है वह अधिकतर द्विलिंगी होती है। जो हैग फिश है वह अधिकतर क्या है, द्विलिंगी होती है। तो हैग फिश अधिकतर द्विलिंगी होती है। तो कहने का मतलब क्या है, द्विलिंगी का मतलब क्या है, नर और मादा जननांग एक ही जंतु पर उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट, इनके अंडे जो होते हैं वह अंडाकार तथा 1 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। तो नेक्स्ट, इनके अंडे अंडाकार व 1 सेंटीमीटर लंबे, 1 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। तो ये इनके अंडों की विशेषता होती है और सख्त कवच द्वारा बंद रहते हैं। तो नेक्स्ट है, सख्त कवच द्वारा बंद रहते हैं। तो ये इसकी एक सबसे बड़ी जो विशेषता है वो पूर्ण होती है।
अब कुछ है मछलियां होती है वह शिशु परजक भी होती है, अर्थात शिशुओं को जन्म भी देती है, तो उनमें क्या होगा, लार्वा अवस्था नहीं होगी। जिसमें शिशुओं को जन्म देगा वहां अंडे है तो वहां लार्वा अवस्था है, जहां शिशु है वहां लार्वा अवस्था नहीं होती। तो कुछ मछलियां, कुछ हैग मछलियां शिशु परजक होती है, शिशु परजक होती है, अर्थात इन मछलियों में लार्वा अवस्था अनुपस्थित होती है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इसी के साथ ये आज की क्लास पूर्ण होती है। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी हम उसमें आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे।